श्री दशमेश कॉन्वेंट स्कूल अट्टी वालों ऑनलाइन एजुकेशन सारे विद्यार्थी और मापियां का स्वागत है। तो अज जो मेरा टॉपिक हैगा नौवीं दसवीं क्लास लई है बेटा। जिस तरह तुम्हें सारिआं नूं पता है, पेरेंट्स नूं भी पता है बई मैं मैथ नौवीं दसवीं नूं करवाउंदा हुंदा, तो बच्चों नाल भी प्रोमिस होया सी बई कदी कोई बच्चा अज तक अपनी मैथ चो कदी सप्ली वगैरह तक भी नहीं आई। तो अज जो मैं टॉपिक करवाउणा आ उल्ले यह आ बई असी मैं कहना हूं हरेक नूं भी तुसीं संडे थ्यूरम जरूर याद करनी आ। मैं जिहड़ी पाइथागोरस थ्यूरम आ वह करवा रहा नौवीं ते दसवीं वाले बच्चों ने। जिन्ना चिर बेटा तुसीं नौवीं ते दसवीं च आ संडे दी संडे यह थ्यूरम जरूर लिख के देखनी जिन्नी मैं कहांगा। राइट एंगल ट्रायंगल सारे बच्चों नूं पता है। राइट एंगल ट्रायंगल जिहड़ा एंगल वी 90 डिग्री का है, एक एंगल 90 डिग्री का होंदा है। पाइथागोरस थ्यूरम च की आ बे गिवन सानू की आ ट्रायंगल ए बी सी एंगल वी इज इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूव इच की करना होंदा बे 90 डिग्री के सामने जिहड़ी हाइपोइड दी साइड है दा स्क्वायर ए सी दा स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दूई साइड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्केयर। मैं द्वार तो फिर दस रहा हाँ भी जिहड़ी कोई भी थ्यूरम होंदी उस चार स्टैप होंदे आ गिवन टू प्रूव कंसट्रक्शन ते आफ्टर दैट प्रूफ। इच गिवन की है ट्रायंगल ए बी सी एंगल वी इज इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूव की करना 90 डिग्री के सामने जिहड़ी साइड आ हाइपोए का ए सी का स्केयर इज इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस बी स्केयर। इस असी एक कंसट्रक्शन करांगे ड्रा बी डी परपेंडिकुलर ए सी। असी परपेंडिकुलर ड्रा किया इतने नाले डी आ नाले इतने एंगल वन कर लो नाले एंगल टू कर लो। सच दैट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू 90 डिग्री। हुण जदों ये थ्योरम आ गई उस तो बाद असी इहदा प्रूफ करना है। प्रूफ किस तरह करना है वेरी ईजी आ। असी दो ट्रायंगलों का बेटा कंपैरिजन करना है, एक छोटी वाली एक बड़ी वाली का। छोटी वाली कीड़ी है ए बी डी, इतने लिखना इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इतने लिखना ट्रायंगल ए बी सी। यदा कंपैरिजन इतने किन्ना करांगे दोहां ट्रायंगलों का ए बी डी का किन्ना ए बी सी। दूसरे पासे असी कंपैरिजन करांगे छोटी ट्रायंगल बी डी सी इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। बड़ी ट्रायंगल असी उ ए बी सी देखनी है। इन्हों दोहां ट्रायंगलों च असी दो प्रॉपर्टीज़ देखना भी कि बराबर है तो ट्रायंगल सिमिलर शो कर देनी है। जिस तरह हुण एंगल ए बी डी इस एंगल वन कि 90 डिग्री का है, इहदियां प्रॉपर्टियां इस साइड पर लिखनिया एंगल वन इज इक्वल टू एंगल ए बी सी कहड़ा एंगल आ एंगल वी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन आ। इतने लिखना ईच 90 डिग्री। दूसरा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। ओके ए बी डी ट्रायंगल इच भी एंगल ए आ गया, ए बी सी इच भी एंगल ए आ गया। जदों किसी दो ट्रायंगल्स दी दो प्रॉपर्टी बराबर हो जाण तां ट्रायंगल सिमिलर हो जाणियां। देयरफोर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। हुण इत्थे भी इहदियां एंगल टू इज इक्वल टू एंगल वी ईच 90 डिग्री। इच किहड़ा किहड़ा कॉमन एंगल है बी डी सी ते दूसरा ए बी सी ट्रायंगल च सी कॉमन है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन। देयरफोर ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल कि हो गई ए बी सी। तो जो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो असी कोशिश करनी है भी इतों उन्हों का दो साइडा प्रपोशन च इक्वल होंगियां। असी जिहड़ी बी डी जिहड़ी ट्रायंगल साडी ए बी डी आ इच देखना ए बी आ रहा क्योंकि जो ए बी नूं ए बी नाल मल्टीप्लाई करनी ए बी स्केयर बन जाता। ए बी एक साइड लै ले दूसरी इहदी साइड की लै लवांगे ए डी, इत्थे दूसरी साइड की आ गई ए सी। इसे तरह दूसरा असी बी सी स्केयर बनाउणा बी सी बी डी सी ट्रायंगल की असी डी सी साइड लै ली
एबीसी ट्रायंगल दी एसी रही एबीसी जो ट्रायंगल है हम इतने मल्टीप्लाई कर देवे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई बाई ए सी इतने की बन गया बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी मल्टीप्लाई बाई ए सी इनू नंबर टू कह लो इनू वन कह दो इन्हों एड कर दो एड वन एंड टू ए बी स्क्वायर खब्बे वाले प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सज्जे वाले ए सी ए डी मल्टीप्लाई बाई ए सी आह सज्जे साइड वाला प्लस एच ए एड होनी है डी सी मल्टीप्लाई बाई ए सी इतने असं यही लिख लेना ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इतने दोहां च देखो ए डी मल्टीप्लाई बाई ए सी डी सी मल्टीप्लाई बाई ए सी की है ए सी कॉमन है तो ब्रैकेट च की रह गया ए डी इतों रह गया प्लस की रह गया डी डी सी हुण देखो ए सी ए डी प्लस डी सी की बन गया ए सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर हैंस प्रूव्ड यही साड़ी जी पाइथागोरस थ्योरम है इनू तुसी हरेक संडे की संडे लिखना जिन्ना चिर है तो मेरा ख्याल तुसी कभी मैथ चो नहीं फेल होंगे थैंक यू।